मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में किसी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से होती है। आज भारत पूरी दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास व निर्णय हुए हैं उससे नए भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। लिहाजा भारत के प्रति पूरे विश्व की धारणा बदली है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है यह सबको दिखाई दे रहा है। सीएम योगी सोमवार को मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से आयोजित बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदले परिदृश्य में जो प्रयास हुए हैं उसका परिणाम सामने है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अपना देश दुनिया के उन महत्वपूर्ण 20 देशों G20 का नेतृत्व कर रहा है जो दुनिया की 85% GDP, 75% व्यापार, 60% आबादी व 90% पेटेंट पर आधिपत्य स्थापित रखते हैं। G20 का नेतृत्व देश के लिए एक अवसर है। उत्तर प्रदेश में भी इससे जुड़े 11 आयोजन होने हैं। योगी ने कहा कि जो लोग देश को जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बांटना चाहते थे वह फेल हो गए हैं। आज भारत आगे बढ़ता है तो देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत दिखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के कोविड प्रबंधन ने पूरी दुनिया के सामने नागरिकों के अनुशासन व नेतृत्व के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी ताली बजाने, लॉकडाउन के पालन से जुड़ी। पहले जान है तो जहान है और फिर जान भी जहान भी के पीएम मोदी के मंत्र को अपनाया। कोरोना संक्रमित देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों के मन में शंकाएं थी। ये सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ अपने राज्य के प्रवासी कामगारों बल्कि अगल बगल के राज्यों से यूपी आए लोगों के प्रति भी मानवीय संवेदना का भाव करते रखते हुए सेवा की। यह मानवीय पक्ष था और राष्ट्रीय कर्तव्य भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विकास के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे रहे। बीते 5.5-6 सालों से बदलते उत्तर प्रदेश को आप सभी लोग देख रहे हैं। सरकार किसी विषय पर काफी चर्चा विमर्श और सभी पक्षों का ध्यान देते हुए ही कोई निर्णय लेती है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के बदलते परिदृश्य में अपनी आभा बिखेर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अकूत संभावनाओं का प्रदेश है। इस पर प्रकृति व परमात्मा की असीम कृपा है। 3 गुना उत्पादन देने वाली उर्वरा भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। यदि हम सकारात्मक सोच से ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम ही आएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जुलाई से लेकर नवंबर तक का महीना भय पैदा करने वाला होता था। एंसेफलाइटिस के चलते 40 वर्षों में 50,000 बच्चों की मौतें हो गई। इलाज का एकमात्र केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज होने से सर्वाधिक मौतें गोरखपुर में होती थी। बीते 5 सालों में बेहतर प्रबंधन, समन्वय व टीम वर्क से एंसेफलाइटिस पर 95% तक नियंत्रण पा लिया गया है। अगले कुछ सालों में इस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंसेफलाइटिस की वैक्सीन जापान में 1905 में ही बन गई थी लेकिन उसे भारत आने में 100 साल लग गए, जबकि नई बीमारी होने के बावजूद कोरोना के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन मात्र 9 माह में तैयार कर ली गई थी। यह नेतृत्व के विजन व कार्यशैली का परिचायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां पूरे दुनिया के लिए कौतूहल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को 2.61 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य मिला था। 2.5 साल में सिर्फ 43 लाख शौचालय बन पाए थे। वर्ष 2017 में सूबे की कमान संभालने के बाद नियोजित प्रयास से तय समय सीमा से पहले ही संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तीसरी दुनिया के देशों के सम्मेलन में जब देश के उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में 2.61 करोड़ शौचालय बनने की घोषणा की तो पूरी दुनिया अचंभित थी। उत्तर प्रदेश ने 5.5 सालों में गरीबों के लिए 45 लाख आवास भी बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब कार्य करने का जज्बा होगा तो उसका परिणाम भी आएगा।
उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह दंगा मुक्त है। बड़े बड़े पर्व त्योहार सिस्टम की जवाबदेही सुनिश्चित होने से ऑटो मोड पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। मकर संक्रांति पर 25 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया तो लाखों श्रद्धालुओं ने गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। कहीं भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी राज्य की खुशहाली के लिए जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार और कानून का राज्य दोनों ही पक्ष साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। यदि अराजकता की छूट दे दी गई तो असंतुलन व असंतोष पैदा होगा। इस पर हमेशा विचार करना होगा। कहा कि नियत साफ हो, बिना भेदभाव कार्य करने का जज्बा हो तो धारणा बदलती है। उत्तर प्रदेश के प्रति भी धारणा बदली है। कभी गुंडा टैक्स, फिरौती और अपहरण उद्योग की पहचान थी, आज निवेश के सबसे शानदार गंतव्य की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अपने मुंबई दौरे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग यहाँ निवेश ना करने का संकल्प ले चुके थे, आज वह खुद जहाँ कहा जाए और जितना कहा जाए निवेश करने के लिए संकल्प का भाव दिखा रहे हैं। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 16 देशों में मंत्रियों के रोड शो के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज व प्रदेश को चलाने तथा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन, जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की ही नहीं होती, बल्कि इसमें जनभागीदारी और मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सकारात्मक रिपोर्टिंग से सरकार की बात करोड़ों लोगों तक पहुँचती है। प्रदेश में सकारात्मकता की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता जैसे ज्वलंत व समसामयिक विषय पर सार्थक संगोष्ठी कराने तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले महानुभाव को सम्मानित करने के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार हो या मीडिया या फिर कोई अन्य संगठन, सकारात्मक पहल थमनी नहीं चाहिए। संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग, व्यापार, समाज सेवा, शिक्षा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विनय सिंह, कमलेश जैन, अशोक जालान, अतुल सर्राफ, शंभू शाह, प्रगति श्रीवास्तव, राजीव ओझा, हरेकृष्ण, राजेश नेभानी, उमेश अग्रहरी को सम्मानित भी किया। संगोष्ठी को विशिष्ट वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए आध्यात्मिक विचारक आचार्य मिथिलेश नंदिनी सरन ने कहा कि पत्रकारिता का मूल चरित्र जन सरोकार से जुड़ा है। यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर की मीडिया बदलते समाज के प्रति जागरूक है। मीडिया पर सिर्फ सवाल पूछने तक खुद को सीमित करने की बजाय शासन की जन कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को भी जनता तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तटस्थता की स्थिति घातक होती है, इसलिए पत्रकार को सत्यता, सटीकता और सदाशयता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आए सकारात्मक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि योगी जी ने धर्म और राजनीति के एक साथ न हो सकने के मिथक को तोड़ा है। उनके शासन में कुछ दुर्जन निपट गए तो कुछ घट गए। दूसरे विशिष्ट वक्ता वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार बद्री नारायण ने कहा कि समाज को प्रेरणा देने में भी पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बदलते परिदृश्य में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, उद्योग समेत सोशल स्ट्रक्चर का भी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भावना और संवेदना केंद्रित विकास हो रहा है। वास्तव में जो विकास असंवेदनशील बनाए वह व्यर्थ है। योगी जी ने विकास के लिए जो गोरखपुर मॉडल तैयार किया है उसे अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। धर्म कैसे समाज को नेतृत्व दे सकता है, योगी जी उसके अनुपम उदाहरण हैं। उनमें सत्ता में रहकर सत्ता को जन समर्पित करने की भावना है। उन्होंने कहा कि बदलते परिदृश्य में विकास प्रक्रिया से जनता को जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मीडिया पर है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर सुलभमणि त्रिपाठी, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, महेंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन, दीप्त भानुडे, राकेश पाल, अखिलेश चंद्र, रत्नाकर सिंह, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय, महामंत्री कमलेश सिंह, सतीश पांडे, गजेंद्र तिवारी, मनवर रिजवी समेत बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी व समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य उपस्थित रहे। जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं,
या देश और समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सभी को यहाँ बुलाया गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। ये काम अगर कहीं से हो सकता है तो ये गोरखपुर के पत्रकार साथी ही कर सकते हैं कि अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करना, उनके साथ एक विचार विमर्श करना, और हम सबके लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि हम सबने योगी आदित्यनाथ जी को गोरख फील्ड के एक उत्तराधिकारी के तौर पर हम सब अपने पत्रकारिता के शुरुआती कैरियर के तौर पर अपना काम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि पूर्वांचल का सौभाग्य है कि गोरख फील्ड के अधिकारीश्वर अपने संघर्षों के दम पे, अपने तप के दम पर, अपने जन कल्याण के दम पर आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश को, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। विपिन सिंह जी भी यहाँ पे आ गए हैं, माननीय विधायक हैं, एक पत्रकार होने के नाते पूरी पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अरविंद जी क्या थोड़ा गई अरे यार देखिए आइए सर, आप निश्चित है आप लोग बधाई के पात्र हैं, किसी से डरते नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ उद्बोधन दिया है, सभी सम्मानित पत्रकार साथियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे, क्योंकि मित्रों हम सभी बाबा गोरख पूज्य महाराज का भी आप लोगों के आशीर्वाद प्राप्त है। शायद इससे पहले कोई मुख्यमंत्री रहा था इतने करीब से मुख्यमंत्री से आप लोग नहीं मिल पाते। जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कभी में भी दूसरों की भलाई कैसे हो, समाज की भलाई कैसे हो, देश की कैसे सर्वोपरि रहे, इन विषयों को लेकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके ऐसे ऐसे जगहों पर भी हम लोग लगातार देखते हैं, दूरदर्शन टीवी पर देखते हैं, अलग अलग चार माध्यमों से देखते हैं कि किस प्रकार से कहीं पर कोरोना, चाहे वो कोरोना की वैश्विक महामारी नहीं हो या कहीं पर युद्ध हो रहा, कहीं पर दोनों तरफ से गोलियां चलती हो, कहीं आतंकी घटनाएं होती हो, उन सब जगहों पर भी किस प्रकार से पत्रकार मित्र अपनी जान जोखिम में डाल करके जो चीजें समाज में है उनको लाने का काम करते हैं। और ये काम मैं केवल आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे विजेंद्र भाई ने कहा कि बहुत संक्षेप में आप सबके बीच में Thank you.
क्योंकि धीरे धीरे परिवेश बदलता है और परिवेश बदल रहा है। आपने देखा, मैं बात शुरू करता हूँ एक छोटी सी घटना। देश में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, उत्तर प्रदेश में अभी घूम के गए और उन्होंने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत परिवर्तन है, हमने कहा परिवर्तन है, गाँव में पैसा आ रहा है, गाँव से पैसा खर्च हो रहा है, इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ रही है और एक जड़ता जो थी वो जड़ता गाँव से टूट रही है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये दिखाई किसको पड़ेगा, जो तीसरी आँख से देखेगा, और तीसरी आँख से कौन देखेगा, पत्रकार देखेगा, स्कॉलर देखेगा। ये सड़क बिजली पानी के ये जो विकास हो रहा है उसके अतिरिक्त जो पूरे सोशल स्ट्रक्चर में विकास हो रहा है, इससे बाकी के साथ बात को आगे बढ़ाऊँ। एक बड़ा फेज है कि जहाँ विकास है वहाँ संवेदना नहीं है, जहाँ संवेदना है वहाँ विकास है। ये एक ऐसा मॉडल जो अगर ये आज के संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता जीबी पंत सोशल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वरिष्ठ पत्रकार, मुझे नीचे कराइएगा। दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक सुब्रमण्य मोहन जी, राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक सिद्धेश बहुदेव जी, और दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक श्री राकेश पाल जी, पत्रकार समिति गौरव के अध्यक्ष श्री अरविंद भाई जी, उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र त्रिपाठी जी, महामंत्री श्री संदेश सिंह जी, प्रेम पराया जी, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति जिन महानुभावों की है, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मन विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, सभा मणि जी, हमारे सभी मीडिया से जुड़े थे प्रतिनिधि और मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए इस विषय से संबंधित इस संगोष्ठी का आयोजन है। भगवान सूर्य ने उत्तरायण में जाने के तत्काल बाद आयोजित किया है और मेरा मानना है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आयोजित की गई इस संगोष्ठी के परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने लोगों में देखा है, शासन प्रशासन देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है वह
एक विपरीत दृष्टि आप लोगों को देते हैं, लेकिन मीडिया ने गत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए परिवेश को देखा है और बदलती हुई परिदृश्य के स्वयं ही साक्षी रहे हैं। आज से 20 वर्षों से पहले तक जो प्रिंट मीडिया और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं के और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ अंचल जगह होते जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, टीवी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ, इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आए गए थे कि सोशल मीडिया में भी अनेक चीजें सामने आई, अलग अलग प्लेटफॉर्म उसके लिए आए, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं और मीडिया का एक नया रूप डिजिटल मीडिया के रूप में हम देखते हैं। इन सब चुनौतियों के बीच भी किसी की भूमिका कम भी नहीं हुई है और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबके अपनी जजमानी आज भी जुड़ी बची हुई है और उनके बीच उन चुनौती से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया के तरफ से जुड़े हुए आप सुधीर जब कार्य कर रहे हैं। बदलता प्रगति के साथ मीडिया के नए रूपों के रूपों में हम सब उसके दर्शन हो रहे हैं, लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या करता है, अलग अलग तरीके से उसको उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहाँ पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ प्रदेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के गोष्ठी का आयोजन बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर मकर संक्रांति के अवसर पर आज यहाँ पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले एक बहुत सार्थक पहल की और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच क्यों राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, राजनीतिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे, लेकिन मैं तो मैं व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद जो रोटी रेटी का संबंध नेपाल और भारत का था दो शरीर लिखने का तो जो एक भाव था इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था और मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में थी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक ग्रुप मेरे पास दिया गया था। उन्होंने गोरखपुर पत्रकार समिति के इस कार्यक्रम के अत्यंत सराहना की और उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो रिपोर्टिंग मैंने उसके बाद देखा कि 2-3 डेलीगेशन मेरे पास नेपाल से आए
चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए एक अच्छी पहल बनी थी। लेकिन देश में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान सब लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, अत्यंत सार्थक है, अभिनंदनीय है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं गोरखपुर पत्रकार समिति के को, इन्होंने यहां पर आज इस गोष्ठी को किया है। यद्यपि इसमें आचार्य मिथिलेश नंदन सिंह जी के और यहाँ पर आचार्य बद्री नारायण जी के विचारों को विस्तृत रूप से सुनने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट होता है और उनकी बातों को उतनी इस बात से सुनने के लिए उतना ही समय भी चाहिए। देखिए पहल इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए क्योंकि प्रदृश्य जो नए जो बदलाव दिखाई दे रहा है ये वास्तव में आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता के लिए उठाए गए कदम अपने परिणाम भविष्य की गति में छोड़ देते हैं और परिवर्तन याद रखना एक प्रकृति का नियम होता है। अगर परिवर्तन के साथ हम नहीं चलेंगे तो स्थिति हमारी वैसी होती है जैसे जले हुए पानी की होती है, उसमें सड़न आ जाएगी, जड़ता जाएगी और जड़ता हमेशा खतरनाक होती है क्योंकि पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ कोई भी काया उसके एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर हमने निर्णय लेने में समय गवाया तो समय हमें गायब कर दिया और इसलिए आज के प्रदेश में हम सब की भूमिका भी उसी प्रकार की खास रही है जैसे आप देश के अंदर देख रहे हैं। अभी हमने इस देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को संबंधित किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब देश आजादी के 75 वर्ष के आयोजन के साथ जुड़ा रहा आपने देखा होगा पता नहीं 1947 में जब देश आजाद हुआ देश में खुशी थी लेकिन विभाजन का गौरव नहीं था। 1947 में भारत के मान मान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया था कि लहराया था हम नहीं कह सकते लेकिन देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा के माध्यम से हर परिवार को बदलाव ये परिवर्तन आप सबने महसूस किया होगा कैसे हर घर में तिरंगा लहराया और सुबह स्फूर्त भाव के साथ आवश्यकता पड़ी तो देश के कानून में संशोधन किया गया लेकिन हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय प्रतीक को अपने घर के ऊपर लगाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई बड़ी हवेली से लेकर के झोपड़ी पर जब एक जैसा तिरंगा दिखता है लोकतंत्र का एक रूप बोलता है यही लोकतंत्र है यही सच्चा समान रूप से दिख रहा उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम तक गांव गली से लेकर के दिल्ली संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के गलियारों में और झोपड़ी से लेकर के राजप्रसादों में यह तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था तो वह एक हर शेष भारतीय परिक्रमा को साकार यही बदलाव का दृश्य है और बदले में प्रदृश्य को किस रूप
में इसको अचानक आने में अचानक भी लहर गए, इसके लाने के लिए कुछ प्रयास हुए और किस प्रकार के प्रयास हुए हैं कि हम सबने इस बात को देखा होगा। यह देश आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, भारत को उपलब्धियां भी उसकी बिजली प्रारंभ हुई। बंद रहेगा आज के दिन पर नए दुनिया में हम क्या देख रहे हैं, दुनिया की ताकत का एहसास, दुनिया की अर्थव्यवस्था के माध्यम से, उस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में यह भारत की ताकत है, नए भारत की ताकत है। विगत 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए, जो रिफॉर्म किए गए, जो प्रयास किए गए, भारत का जो प्रसिद्धि बदला गया, भारत के बारे में आम नागरिकों को और दुनिया के सामने भारत के बारे में जो धारणा थी, उसके बारे में जो दुनिया को बताया गया, आज उसका परिणाम क्या है, हर व्यक्ति आज इसको सोचने के लिए मजबूर हुआ है, भारत के बारे में लोगों की सोच बदली है, भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है, भारत को अच्छी दृष्टि देखने लग गए हैं, भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है आज देखिए दिखाई दे रहा है। और संयोग से वापस आदि गिरा आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन अभी चल रहा है, भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। और यही नहीं, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है, G20 के वे देश जिन्हें दुनिया की आबादी का 60% आबादी निवास करती है, वे 20 देश जिनका दुनिया के 75% रेट पर अधिकार है, ये वे 20 देश हैं जिनका दुनिया की 85% GDP पर अधिकार है, ये वही 20 देश हैं जिनका दुनिया के 90% एटीएम पर अधिकार है। उन 20 देशों का G20 के देशों का नेतृत्व अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के और किस अवसर पर भारत को आयोजित करने का आवश्यकता होगा। दुनिया रीजन के लिए टेक्नोलॉजी भारत को एक नए मंच के रूप में देखने को मिल रहा है। अवसर में उत्तर प्रदेश के अंदर भी 11 आयोजन है, उन आयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़ रहा है। ये नया भारत और इस नए भारत के साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र के स्तंभ को, जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, 140 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है, दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत दिखती है। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं पैदा करते हैं, जो हमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा और तमाम अन्य बातों में बांटते हैं, कोरोना महामारी के दौरान उनके सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए, वे अपने देश को एक नहीं कर पाए, लेकिन भारत मोदी जी ने कहा ताली पीटो, पूरा देश एक साथ ताली पीट रहा है, 40 करोड़ का भारत एक साथ ताली पीट रहा है। मोदी जी ने कहा लॉकडाउन होगा, हर व्यक्ति लॉकडाउन के साथ जुड़ा। मोदी जी ने कहा कि जान है जहान है, तो लोग इस मंत्र को निकाल करते थे अपने घरों में बंद हुए, और मोदी जी ने कहा जान भी है जहान भी है दोनों एक साथ चलेंगे। लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों को चालू किया, अनुशासन का पालन किया, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, कोविड का प्रबंधन और आम जनमानस का देश के नेतृत्व के प्रति निष्ठा का भाव, उसका एक आदर्श उदाहरण है और वही आरंभ रहा है। 140 करोड़ की आबादी का भारत बेहतर परिणाम दुनिया में देने में सफल रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज के इस बदलते हुए देश हम सबको भी अपनी भूमिका के साथ
हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के पास और केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमें तो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो अगल बगल के राज्यों से भी लोग अपनी शिक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य के लिए अपने व्यापार के लिए अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और हम सब एक मानवीय संवेदना और सबके प्रति रखते रखना भी चाहिए। आखिर हमारे देश का नाम क्यों है हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ये सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज बदलते उस प्रदेश से अपने आप को किस रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश को देखा पूरा प्रभी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ और उस बदलते हुए प्रदेश में जब फिर हम उसके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें नहीं करनी करती नहीं आ पाती या हो सकता है लोग संज्ञान नहीं ले पाते। उन स्थितियों में बहुत बार लगता है कि क्या अचानक ही बात खराब हो गई है। लेकिन जब उस बार लोगों को लगता है कि जब परिणाम आते हैं लोगों को लगता है कि नहीं अच्छा उत्तर प्रदेश आज किसी का मैं आगे बढ़ा है ये भारत के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश अगर विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा तो वही बोलो देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है 1/5 पॉपुलेशन अगर उस रफ्तार के साथ पीछे छोड़ जाएगी तो फिर वह समग्र विकास की अवधारणा जो देश के नेतृत्व की है उसको पूरा होने में समय लगेगा और इसलिए उत्तर प्रदेश को उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा। उससे अच्छे अनुकूल वातावरण भी देना पड़ेगा प्रेरणा भी देना पड़ेगा इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार होना होगा और विगत 5.5-6 वर्षों के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पोटेंशियल रख सके अपार संभावनाएं इसमें है। प्रकृति की भी और परमात्मा की भी इसी कृपा से है और इस असीम कृपा के प्रदेश में हम सबको कार्य करने का अवसर मिला है तो परिणाम भी अपने आप ही है। हमें प्रयास करना है और प्रयास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जब कदम उठते हैं ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं टीम वर्क परिणाम देती है और टीम वर्क का परिणाम देती है तो रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड कंट्रोल के परिणाम देखे होंगे लोगों को आशंका थी उत्तर प्रदेश का क्या होगा और अभी तो कोविड की भी आशंका थी इसी दौरान बहुत सारे राज्यों से क्लाइंट शुरू हो गया मुझसे पूछा गया इतने लोग आएंगे क्या करेंगे मैंने कहा निश्चित करेंगे तो प्रदेश सब संभालेगा। मुझसे पूछा गया कैसे संभालेंगे एक तो कोरोना कब है और दूसरा प्रवासी कामगार आएंगे मैंने कहा कितने आएंगे लोगों ने कहा
कहां कटेंगे? मैंने कहा आपको यूटी की ताकत का मुझे पता ही नहीं, हमारे पास 96 बार एमएसएमई यूनिट है, अगर एक एक यूनिट में एक या दो लोग समाज के तौर पर 1 करोड़ लोग उसी में आते हैं, वैसे ही आते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी योजना हमें हमारे पास है, जितना हम वर्तमान में पैदा कर रहे हैं यहां 3 से 3 गुना अधिक हम उत्पादन करने की क्षमता रखती है। जल संसाधन दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, ये सब हमारे पास है, इसलिए यहां से यूपी से निश्चित कर लीजिए। यूपी में हम आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों ने अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वहां आदेश निकाल कर दिया, हमने कहा उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन सबको यहाँ पे रहने की व्यवस्था की, उनकी खाने की व्यवस्था की, उनके उपचार की व्यवस्था की, और फिर जब उन राज्यों ने अपने यहाँ के गौरवे को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की और सम्मान एक मानवीय और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य संकट के समय कोरोना की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी सरकार की नहीं, देश की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई में हम सब को मिलकर के ये परिणाम आते गोरखपुर में जिसे लड़ाई किसी चीज को उत्तर प्रदेश में जिसे लड़ाई किसी की लड़ाई को आपने देखा हो, इससे लड़ाई जुलाई से नवंबर तक का होना यहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में है और मौसम के जाना जाता है, पता नहीं कब ये बीमारी किस बच्चे को अपनी चपेट में ले और किसको निकल जाए, एक है एक आतंक एक दौसा 40 वर्ष में 50,000 लोगों की मौत हुई है जिसे ब्लैक से उत्तर प्रदेश और उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद वाला है, क्योंकि एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, इसलिए बहुत ही ज्यादा गोरखपुर में सभी के लिए लोग आते थे, गोरखपुर में भी यही मौतें होती थी। अल्लाह बेहतर प्रबंधन, बेहतर प्रबंधन, समन्वय, टीम वर्क कैसे करना देता है, 95% आज जिसे डायबिटीज की मौत को हम नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता पाई। वैक्सीनेशन का ड्राइव भारत से चल रहा है, हर एक व्यक्ति को दो दो डोज तो लगी, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशन को भी फ्री में लगभग 30% से अधिक लोगों को लग सकती है। अभियान चल रहा है, बड़े पैमाने में कार्यक्रम पर जा रहा है, और इसीलिए आज के सोचकर उत्तर प्रदेश के प्रदेश से जब हम बात कर रहे हैं हमें बाबा को सोचना होगा, ये हमारी भूमिका केवल आलोचना तक ही या प्रत्यावर्तन प्रचार चुनाव आलोचना तक ही सीमित रहेगी या उस सकारात्मक भूमिका को लेकर के जिसे गौरव पत्रकार समिति ने अपनी पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को साथ जोड़ने का कनेक्शन का नया तरीका बनाया है। नेपाल की मीडिया के साथ बैठ करके गोरखपुर के आज के लिए वाला मंच पर अभी टाइम उन उद्यमियों को या समाज जीवन से जुड़े हुए सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया या किया उनको भी आज के लिए उसको सम्मानित किया। एक सकारात्मक दृष्टि है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उनके प्रोत्साहन के लिए अपने मंच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हमारा मंच उनको प्रोत्साहित करेगा क्या अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जहां मैंने जिम्मेदारी अपनी मीडिया के प्रति है वही साथ साथ मैं समाज के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता हूँ, सामाजिक प्रतिबद्धता को बताने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग मंचों के माध्यम से भी के द्वारा उस परिणाम को आगे बढ़ाएंगे। एक सार्थक मुख्यमंत्री जी के लिए और उत्तर प्रदेश आज उसी सार्थक के साथ आगे बढ़ रहा है,
अंदर देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो सोचता है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ 61 लाख में 4 वर्ष में इस लक्ष्य को पूरा करना था। 2.5 वर्ष बीत गए, 2.5 वर्ष में मात्र 43 लाख सोचा जाए। अब प्रश्न 2017 में जो नया मेरे सामने आ गए, अब तो 2.5 वर्ष तो बीत गए, अब ये जो बाकी शौचालय है कैसे बनेंगे? मैंने कहा तो प्रयास करते कहा कि हर हाल में 2 अक्टूबर 2018 तक ये बनने हैं। 1 वर्ष का समय हमारे पास मात्र रहा, हमने कहा बनाए। हम लोगों ने एक साथ प्रदेश भर के राज्य मिस्त्रियों को और अपने साथ जगह जगह पर बताया और शुरू कराया, हर एक जगह पर उनका प्रशिक्षण कराया और फिर हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उन्हें उपलब्ध करवाया। एक एक नोट करके हर ग्राम पंचायत मिशन मोड पे कराया हुआ और जो कार्य 2019 तक पूरा हुआ था उस कार्य को 9 अक्टूबर 2018 तक पूरा करके 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक शौचालय बनने का काम भी पूरा किया। उत्तर प्रदेश की पहल है दुनिया के खासतौर पर तीसरी दुनिया के देशों के लिए जिनमें आदमी गरीबी की अत्यंत खराब है बरसात स्थिति में रहते हैं उन देशों के सम्मेलन में जब उस समय के माननीय राष्ट्रपति जी ने इसकी घोषणा की वे लोग क्या सोच रहे थे? इतनी बड़ी आबादी का राज्य इतनी जल्दी इतने शौचालय कैसे बना गया? वो तो रास्ते रहते हैं कोई सोच सकता है कि प्रदेश ये 45 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कर पाया है लेकिन 5.5 वर्ष के लिए 45 लाख और जब आप दुनिया के सामने करते हैं लोग चौंकते हैं इतने लोगों को आवास संग्रह बन चुके हैं या बनने के अंतिम चरण में चल रहे हैं। कार्य करने की चीज का जज्बा होना परिणाम ही है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश कल्याण मुक्त होगा? आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पर्वत के बाद में कल आपने देखा होगा गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में इतना बड़ा झील था, प्रयागराज में मकर संक्रांति का स्नान था, 25 लाख लोग स्नान किए संगम में। लेकिन कितना शांत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हर तरह की जिम्मेदारी सिस्टम उसी जवाबदेही के साथ सामने आए, परिणाम भी उसी प्रकार का सामने आए और इस सिस्टम को चलाए रखने में केवल शासन की भूमिका नहीं, केवल जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं हो सकती, केवल प्रशासन की भूमिका नहीं हो सकती। जब इसमें मीडिया की इसमें सकारात्मक रिपोर्टिंग करता है और सकारात्मक रिपोर्टिंग जब कॉमन में निकालता है आम जनमानस के पास जाता है 100-150-200 लोगों के बीच में बोलता हूँ, जनप्रतिनिधि 25-50-100-200 लोगों के बीच में बोल पाए लेकिन उनकी बात को लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचाने का अवसर माध्यम तो नहीं आया मीडिया के मतलब वही उसको वहां तक पहुंचाया। और अगर आप सकारात्मक दृष्टि से पहुंचाएंगे तो लोग सकारात्मक दृष्टि से ही उसको लेंगे, नकारात्मक रूप से पहुंचाएंगे तो लोगों की दृष्टि भी नकारात्मक और ये तो सफल पार्टी नहीं कहानी ये उसी सकारात्मक दृष्टिकोण का है जो रिपोर्टिंग आपके माध्यम से लोगों को दर्शकों की उसको पढ़ रहे हैं। आप जो बताइए मकर संक्रांति मेले के लिए या फिर प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के लिए या मेला में प्रयागराज मेला के लिए किसी को आमंत्रण होता है? कोई आमंत्रण नहीं, सुबह सुबह तो लोग जाते हैं। एक बार कुंभ मेले में मानवी जी ने
जी पर कुछ विदेशी दूतावास से जुड़े हुए अधिकारियों को उन्होंने कहा कि हमारे बहुत है उस समय उन्होंने कहा कि एक चौबंदी का चौबंदी का क्या करते हैं कहा कि हमें कुछ नहीं करना है एक चौबंदी से उस समय पंचांग आता था वो सात घर के त्योहार को ले पंचांग अपने घर में रख लेता है और उस पंचांग के अनुसार को बताता है कि इस तिथि में फलाना स्नान है इस तिथि में फलाना पर्व है और वही साल भर के लिए पूरा उसके शिखर की पूर्ति कर देता है उसका आना है उसका आमंत्रण वही चौबंदी होती है ये स्थिति है वो चौकन्ना हो सकता है कैसे क्या ये भी हो सकता है लोगों के आश्रय होता है दुनिया के लोगों को सांस्कृतिक भगवान के रूप में पूजा जाना जाता है लोगों को लगता है कि 24 करोड़ लोग प्रयागराज कुंभ में आएंगे 24 करोड़ लोग थोड़ी सी ये तो सकारात्मक पहल है किस रूप में आगे बढ़ना हम उसको देखे तो उस रूप में आगे बढ़ सकता है लेकिन उस वक्त पहुंचाने का काम तो अभी कर रहे हैं उस प्रकार की दृष्टि आपकी समाज को देते हैं लोगों को बताते हैं अच्छा होता है इस रूप में कार्यक्रम होता है लोगों को जब अच्छे ढंग से आप बताते नहीं तो होता क्या है अफवाह अगर आप सकारात्मक कदम चलाने से अपने को रोकेंगे तो उसकी जगह कौन लेगा अफवाह लेगा और अफवाह लेकर के फिर भगदड़ उसी से मिलती है अव्यवस्था उसी से रहती है अराजकता उसी से रहती है एक अफवाह किसी का कल्याण तो नहीं करती लेकिन अंधविश्वास को भी जन्म देती है और पराजयता को भी जन्म लेकिन एक सकारात्मक देखने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और एक सही सूचना सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है और ये सब कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंच पाती है लोग उसी के माध्यम से उसको देख पाते हैं समझ पाते हैं कैसे हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और ये सभी चीजें आज उसे आगे बढ़ाने का कारण अगर ये दृष्टिकोण नहीं होगा तो ये एमएसएमई यूनिट जो यूपी की थी तो पहले से पीढ़ी तक पीढ़ी चली जा रही इसमें अगर थोड़ी भी प्रयास हो कोरोना में जब हमारा प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आ रहा मुझे उसकी पीड़ा पर मेरी संवेदना के साथ की हमारे पास अधिकारी भी बहुत सारे लोग कहते थे सब आप गाड़ी में दिक्कत हो जाएगी मैंने कहा कि नहीं मैं उसको सड़क पर नहीं छोड़ूंगा गाड़ी भी भेजूंगा मुझे की व्यवस्था भी करूंगा जो कहते थे कि आप मैंने कहा देखो जहां जहां आ रहे हैं जिले में किसकी मैं भी नहीं कहते थे क्या करेंगे अरे हमने कहा उसको घर में ही बैठने देना है तो जहां होगा उसको उसके लायक काम भी दूंगा उसके गांव में उसके जनपद में नेपाल अन्य जगहों पर उपलब्ध कराऊंगा अब सोचिए स्किल मैपिंग भी उनका हो रहा लेकिन उससे पहले हमने कोविड बाद में हम लोगों ने उससे पहले ही यहाँ की परंपरागत उद्यम को एमएसएमई हमारे पास था उसको अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक मंच दे दिया तकनीक के साथ जोड़ दिया उसके लिए मार्केटिंग की जो दम तोड़ना था भारत उत्तर प्रदेश का ये ताकत उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में लोग पहले मानते थे कि बात कुछ नहीं हो सकता आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक बढ़ रहा एक्सपोर्ट यहां से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जो उत्पाद होते हैं 1,56,000 करोड़ का एक्सपोर्ट केवल यही हमारा आज के दिन को उत्तर प्रदेश से हो रहा है उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी उपलब्धि है और पिछले 5 साल में यह हम बोलने से नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोग जानते थे ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन उसके लिए हमें उन्हें तकनीक देनी पड़ी उसको सुनने के लिए इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति देनी पड़ी उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने पड़े रिफॉर्म करने पड़े जैसे मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाने थे पीतल की नगरी के रूप में मुरादाबाद कोई वहां काम करता
लोग परेशान कभी अथॉरिटी के लोग परेशान करते थे, कभी पॉलिटिशियन को बोर्ड से जुड़े हुए लोग परेशान करते थे, कभी कोई और आगे लोग परेशान करता था। उनका स्थिति नहीं, कोई घटनिया नहीं, केरोसिन था तो स्वाभाविक रूप से कोयले की भट्टी और केरोसिन से पॉल्यूशन होगा। उनकी कोई प्रणाली नहीं, कोई तकनीक उनके पास नहीं, कोई डिजाइन नहीं। मार्केट जो भेजना नहीं चाहता था उनको इतना महंगा पड़ जाता था, दम तोड़ रहा, हमने उनको डिजाइन दिया, हमने उनको तकनीक, हमने उनके कोयले और केरोसिन को हटा करके उन्हें सीएनजी और पीएनजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। हम लोग इंस्पेक्टर राज और कमीशन कंट्रोल बोर्ड को उन तक जाने से रोका कि भाई भविष्य के परेशान नहीं करेंगे। उनके लिए मार्केट दी, एक मंच दिया, उसकी गारंटी दी और आज अकेले मुरादाबाद से 14,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट होता है, अकेले 14,000 करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट होता है। ऐसी फिरोजाबाद का ग्लास, फिरोजाबाद का ग्लास किसी दिन ताजमहल के संरक्षण के हिस्से माननीय उच्चतम न्यायालय उन सभी लोगों को बंद कर रहा था जिनसे पॉल्यूशन होता है, उनके पास तकनीक नहीं। हम लोगों ने वहां की चीज बंद कर रहे तकनीक मंच नहीं। आज वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वहां से गया है। हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास सब कुछ है, लेकिन शासन का प्रोत्साहन चाहिए, समाज का प्रोत्साहन चाहिए और आज उस प्रोत्साहन में मुझे पंख लगाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के रूप आज वह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला समाज के अलग अलग लोगों की जो सरकार की योजना है
हमें महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलना मिशन शक्ति का होना है। युवक के लिए कार्यक्रम रखना है तो प्रदेश का नौजवान दुनिया के लिए जमा नहीं के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी युवक है तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके। बहुत सारे युवक कोरोना काल में ना देख रहे उस युवक के पास हमने जब कहा कि ऑनलाइन एग्जाम करो बहुत सारी संस्थाएं ही कर रही उनके पास अब हमारे पास टैबलेट नहीं स्मार्टफोन नहीं लैपटॉप नहीं बच्चों के पास हमने कहा हमारे सरकार से हम कर रहे सरकार के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे शासन की योजनाओं का पूरा बिल उसमें दे रहे हैं। क्या क्या योजनाएं शासन की है कैसे जुड़ सकते हैं शासन उन नौजवानों के कार्यक्रम को चला रही है नौकरी ही उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई सरकारी नौकरियां दी थी और नौकरी आने के बाद किस प्रकार की छुट्टी एक भर्ती की प्रक्रिया हो उसी तर्ज पर आगे बढ़ने का लक्ष्य था और प्रक्रिया कुशलतापूर्वक आगे बढ़ती है। आज उसी प्रक्रिया का आगे बढ़ने के लिए शासन की जब नियत साफ है बिना भेदभाव के हरेक पक्ष को उसकी क्षमता उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देने का जज्बा हो तो फिर क्यों नहीं न्यायपूर्ण तरीके से हम सही कार्यक्रमों को आगे बढ़ सकते हैं। प्रक्रिया और मध्य प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें की प्रगति और इन सभी बदलों के कारण आज प्रदेश का प्रसिद्ध होता है। आज प्रदेश के बारे में लोग भी धारणा बनती है 5 साल 7 साल पहले की स्थिति क्या है यूपी के बारे में पहले लोगों को लगता था यूपी में सुरक्षित नहीं ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं सबसे बड़ी आबादी का राज्य था अभी सबसे बड़ी आबादी का राज्य लेकिन लोगों को कठिनाई होती थी व्यापार ठप हो जाते थे गुंडा टैक्स वसूली होता था रोटियां वसूली होती थी अपहरण उद्योग भंगुर था जो उद्योग लगे थे वो प्लान कर रहे थे जो यूपी से बाहर रहता था उस नौजवान के सामने अपनी पहचान छुपाने के सिवाय तो दूसरा चारा नहीं था अपनी पहचान छुपाता उत्तर प्रदेश का नहीं पता था लेकिन आज तो ऐसा नहीं आज तो देश और दुनिया में जहां कहीं लग रहा है दुनिया में क्या है भारत के बारे में लोगों की धारणा बढ़ती है भारत को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान आज के प्रदेश के अंदर कहीं भी जाता है लोगों की धारणा उसके बारे में बदलती है लोग अब उसको सकारात्मक भाव से देखते हैं ये जो बदलाव है ये इंटरनेशनल माइंड की इससे होता है और उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसी को समझ रही है हम लोगों ने 10 से 12 समिट के पहले हमने उत्तर प्रदेश की अपने प्रदेश के मंत्रियों की 8 टीमों को दुनिया के 16 देशों में दिखाया और 21 शहरों को याद आ रहा क्या भारत उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की कितनी सकारात्मक सोच हमारी टीम जो है सत्ता के लिए हां बाकी लोग लेकिन उसे एक सप्ताह की लोग हैं उत्तर प्रदेश बार बार करोड़ में से अधिक के प्रस्ताव के लिए दुनिया के देश में दो बार आगे पीछे आज भी देश के अंदर मैं भी पिछले दिनों मुंबई और मुंबई में क्या जी याद है जब मैं 18 में जब गया था वो उस समय जिस भी बड़े उद्यमी उद्योगपति या निवेशक से मैं मिलता था वो मिलता था मेरे कहता था ये बात कि हम लोगों ने तो संकल्प लिया है कि हम यूपी में नहीं है क्यों नहीं जाएंगे बताओ अरे समझो हमारे साथ बीमा है कैसे नहीं बता यही भी पड़ी होगी और दुनिया के देश के टॉप के उद्योगपतियों और निवेशकों के और जब मैंने इस बार गया हर टॉप का उद्योगपति और निवेशक मुंबई जब मैं कहूँ मेरे मंत्री कहे मेरे विधायक कहे हमारे पदाधिकारी कहे कि हम अच्छा कर रहे हैं
मेरा मानना है कि ये अपना मिट्टू बनना ये वाली स्थिति होती है। लेकिन अगर बाहर का व्यक्ति कोई हिंसे कह रहा है और वह इस बदलाव को महसूस कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में आने लाखों करोड़ रुपया लगाने को तैयार है, यहाँ पे रोजगार भी है, यहाँ के विकास के लिए प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो मैं इस बात मानता हूँ कि बदलाव के बदले के दृश्य में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को बदला है और बदला। अब यहाँ की जनता के सभी प्रश्नों का उत्तर खोज निकाल चुका है, उसने देख लिया है कि दलों से नहीं, जातीय बंटवारे से नहीं, वर्ग भेद करके नहीं, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास की दौड़ के साथ आगे बढ़ने का समझा गया है और उत्तर प्रदेश आज उसी विकास की दौड़ के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ने की सोच आज उत्तर प्रदेश के अंदर समग्र देखने को मिला, हर एक जगह देखने को मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा गौरव पत्रकार समिति को, उन्होंने सकारात्मक सोच देखा। गौरव ने तो पिछले 5-6-7 वर्षों के अंदर जो गौरव ने जिन चीजों के लिए कदम उठाए आज चीजें नहीं उठ आ रही। 1990 में पत्रकार कारखाना चालू हो चुका है, जो है ये बहुत बढ़िया बनाया है।